हाय एवरीवन। तो आप सबको पता होगा कि कल जो है 15th ऑफ मार्च था, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है मैट्रिकुलेशन लेवल MTS का एग्ज़ाम था। और ये मेरा एडमिट कार्ड है जो मैं देने गया था। तो गाइज, मैं आज आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि अगर आपका सेंटर, मेरा मेन टारगेट है, ये आपको पता है कि अगर शायद हम सभी मिलकर, जितने भी एग्जाम सेंटर्स होते हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं, हालांकि गूगल है ऑलरेडी हेल्प करने के लिए, लेकिन जो चीज़ें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं लोगों को, वो शायद गूगल नहीं बता सकता है। तो ये कंसीडर करते हुए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो गाइस, इस एग्जाम का मेरा जो सेंटर था वो था कुणाल प्रोफेशनल एजुकेशनल एकेडमी, NH3, आगरा, ग्वालियर रोड, तेहरा, उत्तर प्रदेश, 283124। ठीक है गाइस, तो ये मेरा सेंटर था यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी का भी ये सेंटर है, मान लीजिए, क्योंकि अभी ये एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और लगातार आई थिंक कुणाल प्रोफेशनल एजुकेशनल एकेडमी आगरा ग्वालियर रोड पे जो है तेहरा में, वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे मोस्टली एग्जाम्स होते हैं। अगर आपका या तो आपका एक देव टेक्निकल कैंपस में पड़ता है आपका, और या आपका जो है एक कालिंदी विहार में कालिंदी प्लाजा है, ION डिजिटल जोन के नाम से, वहाँ आपका हो सकता है, या आपका कुणाल प्रोफेशनल एजुकेशनल एकेडमी में आपका सेंटर होगा। अगर मैं मतलब ये तीन लोकेशंस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो अगर आपका कुणाल प्रोफेशनल में आपका सेंटर है, तो ये वीडियो इट रियली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल बेनिफिट यू गाइज। तो आप इसको आराम से देखो, क्योंकि अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो फिर आप गूगल कर लो, क्योंकि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लेट मतलब हो गए हो एग्ज़ाम के लिए, या अभी आपका एग्ज़ाम है और अभी आप सेंटर देख रहे हो, तो फिर आप इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि मैं आपको जो रूट बताऊंगा वो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है बताते बताते वो आपका टाइम भी काफ़ी, ठीक है, कंज्यूम कर ले। तो गाइस देखो, सबसे पहले मेरा जो सेंटर था, बता दिया मैंने आपको, कुणाल में था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप को जब एडमिट कार्ड आ गया, आपको सब एड्रेस पढ़ ही लेते हो, आप सब लोग पढ़ लेते हैं। तो मेरी लोकेशन जो है आगरा में है। तो आगरा में मैं आपको बताऊं, आगरा में सबसे फेमस जगह, कोई भी अगर आप पूछोगे किसी से भी, तो रामबाग है। ठीक है, तो जैसे मेरा घर रामबाग पे है, तो मैं रामबाग से, मैं यहाँ से निकला था, मेरा रिपोर्टिंग टाइम 7:30 था, एंड आई लेफ्ट माई होम एट 6:45, क्योंकि मेरे को ये था कि लाइक इट विल टेक 15 मिनट्स टू रीच बिजलीगढ़, और 15 मिनट्स आगे लग जाएगा, क्योंकि गूगल पे शो कर रहा था। तो गूगल पे बहुत ही एक स्ट्रेट रास्ता शो करता है, और जो ऐसा लगता है उसमें टाइम आपका एकदम एग्जैक्ट वो आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि गूगल को ये तो पता है कि आप कार से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, बट उसको अभी ये नहीं पता है कि आप ऑटो से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ऑटो से आप जाओगे तो वो टाइम इसलिए नहीं बता पा रहा है गूगल, क्योंकि ऑटो में क्या होता है कि अगर आप कंप्लीट ऑटो लेते हो तो हो सकता है आपको पता चल जाए, कार वाला ये एवरेज टाइम मान के चल सकते हो, बट ऑटो में क्या है, जब आप बैठते हो तो आप किस टाइप के ऑटो में बैठ रहे हो, इट इज एम्प्टी और इट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भरा हुआ ऑटो है, बस एक या दो सवारी की सीट खाली है, उसमें जाके बैठ जाओ अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो। और अगर आप ऑलरेडी एग्जाम सेंटर पे से काफी पहले निकले हो, जैसे 2.5 घंटे पहले, तो मेरे हिसाब से अगर आप आगरा में हो और आप कुणाल अकेडमी पहुंचना चाहते हो, तो कम से कम आप 2 घंटे पहले निकलो। अगर आप 2 घंटे पहले नहीं निकलोगे तो हो सकता है आपके साथ वो हो जो कल मेरे साथ हुआ। तो गाइज, मैं अपने घर से निकला था कल 6:45 पे, और 6:45 से मुझे 15 मिनट्स, मतलब मैं अभी फिलहाल जो है कालिंदी विहार में हूँ,
तो 45 मिनट्स पे मैं यहाँ से निकला और मुझे रामबाग पहुंचते पहुंचते 15 मिनट्स लग गए। तो मैं लाइक आई वॉज एट रामबाग शार्प 7 AM, ठीक है। और 7 AM से वेल आई वॉज गोइंग इन ऑटो, तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया था कि हाँ भाई कैसे जाते हैं। हालांकि आई बिलोंग टू आगरा, बट ऐसा होता है कि आप रह रहे होते हो उस एरिया में, आपको लोकेशंस भी पता होती है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टाइम, ठीक है, कि ऑटो कितना टाइम ले। आपको एग्जैक्ट टाइम एक आपको मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम मान के मत चलो, आप उसमें पैसिमिस्टिक टाइम मान के चलो, ठीक है। यहाँ आप और मोस्ट लाइकली टाइम भी आप ले सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आप कुणाल एकेडमी जा रहे हो और रामबाग पे हो या रामबाग के आसपास कहीं हो, तो आप 2 घंटे पहले निकलो। दैट इज द बेस्ट पैसिमिस्टिक टाइम, और 2 घंटे बहुत है, पैसिमिस्टिक टाइम है, तो आप आराम से पहुंच जाओगे। आप कितना भी लेट ऑटो करेगा, 10 जगह वो रोके, नो मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी जगह पे वो आपको रोकता है, क्योंकि वो सवारियां भी उतारेगा। आप हायर करोगे पूरा ऑटो, 200-250 रुपये दोगे, जबकि आप शायद मेरे हिसाब से, मैं कितने में आ गया था, 5 रुपीज मेरे रामबाग पहुंचने में लगे थे, 10 वहां से, तो 5 + 10 = 15, तो मतलब बिजली घर पे लग गए थे, मतलब अप्रोक्स मैं 60-70 रुपीज में अपने घर आ गया था। और सोचो आप फुल ऑटो बुक करोगे, 200 रुपये दोगे, सो दैट्स नॉट इकोनॉमिकल एज पर मी। तो आप सबसे पहले मैं आपको रूट बताता हूँ वन बाई वन, क्योंकि वीडियो में काफी क्या होता है कि वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो सॉरी टू से, बट मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कि टॉपिक से हम कभी इधर उधर चले जाते हैं। हालांकि ऑल आई थिंक द एंटायर मैटर इज नेसेसरी, क्योंकि अगर आप किसी फैक्टर को छोड़ते हो, इफ यू आर इग्नोरिंग एनी वन फैक्टर, तो हो सकता है इट माइट क्रिएट यू प्रॉब्लम इन फ्यूचर, और आपको जर्नी में प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो मैं आपको रूट बता दूँ और मैं आपको नहीं बताता कि आपको फेयर कितना लगेगा ऑटो फेयर, क्योंकि आगरा में मतलब सॉरी टू से, बट आगरा में अगर आप आ रहे हो तो बिवेयर ऑफ द ऑटो ड्राइवर्स, क्योंकि लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आगरा में ऑटो वाले, अगर आपको उनको पता चल गया ना कि आप बाहर से एग्जाम देने आए हैं, तो वो आपको डबल या ट्रिपल भी चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि कल मेरा एक फ्रेंड था, वो अलीगढ़ से आया था, एंड ही डिड इन्फॉर्म मी कि वो आ रहा है, और लकीली मेरे को भी नहीं पता था कि उसका एग्जाम है, तो वो आया और आगरा में तो उसने देखा ही नहीं था कुछ भी, बस मुझे जानता था, तो फोन नंबर उसके पास था नहीं मेरा, तो वो मेरे को सेंटर पे मिला, और उसने जब लौटते में हम लोग साथ में आए, तो उसने बताया कि उससे 60 रुपीज लिए बिजली घर से जो है कुणाल एकेडमी के, जबकि सिर्फ 20 रुपए लगते हैं, और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, मतलब 30 लगे थे कुल मिला के। जैसे मैं आपको अपना रूट कट कट करके बताऊंगा स्टॉप बाय स्टॉप कि कैसे लगे, तो मतलब समझ रहे हो कि मेरा हाफ लगा और उसका डबल लग गया, मेरा मेरे पूरा इंटायर जर्नी का 60-70 था, उसका केवल एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे 60 ले, मतलब उसका अप्रोक्स 200 तो उसको ऐसे ही उड़ गए। तो पहले रूट बताऊंगा, ओके, तो लेट मी टेल यू रूट के, सबसे पहले आपकी लोकेशन है मान लो रामबाग पे, आप कहीं भी हो इंडिया, मतलब आगरा में कहीं भी हो, आप सबसे पहले रामबाग वाला पॉइंट आप याद कर लो, क्योंकि रामबाग जो है बहुत फेमस जगह है। कोई भी आप कहीं भी पूछोगे भाई रामबाग किधर है, तो रामबाग बता देंगे। तो बेसिकली पहले इसका नाम जो है आरामबाग था, बट लेटर लोगों ने, आराम के लिए लोग यहाँ आते थे, बहुत बड़ा पार्क है, तो फिर इसका नाम जो है धीरे धीरे रामबाग हो गया, और हम तो इसको रामबाग ही बोलते हैं बिकॉज वी लाइक इट, और वी आर बोर्न इन रामबाग, तो भाई हम तो इसको रामबाग ही कहते हैं। तो रामबाग से आपको बैठना है बिजलीगढ़, तो यू विल टेक ऑटो फॉर बिजलीगढ़, और बिजलीगढ़ के वो आपसे लेगा 10 रुपये, और 10 रुपये में आप बिजलीगढ़ पहुंचते हो, एंड देन बिजलीगढ़ जैसे आप उतरोगे, बिजलीगढ़ का बहुत ही फेमस, मतलब आगरा में अगर आप आए हो और श्रीरामपुरी वाला आपने नहीं देखा है, श्रीरामपुरी वाला से आपने पूरी नहीं खाई है, तो आई थिंक आपने कुछ नहीं खाया आगरा में आके। श्रीराम वाला की पूरी इतनी फेमस है, लाइक मैं
तो जब भी वहां से मेरा गुजरना होता है आई ऑलवेज हैव, ठीक है। तो आप 10 रुपए वो आप बिजली घर पहुंचे और बिजली घर से आपको पकड़ना है सेवला के लिए। तो व्हेन आई वाज गोइंग लोग पीपल सजेस्टेड यू माइट चूज टू गो टू सैया, यू माइट चूज टू गो शमशाबाद और टू ग्वालियर रोड और दिस दैट, बट आई विल टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे। फर्स्ट यू रीच बिजलीगढ़, देन टेक एन ऑटो फॉर सेवला। सेवला के 10 रुपए आपसे लेगा, 10 रुपए में आपको सेवला उतारेगा, और सेवला में 10 रुपए लिए थे और टाइम लगा था आई थिंक 15 मिनट्स आपके लगते, ठीक है। तो क्योंकि बिकॉज आई वेंट इन मॉर्निंग, तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, बिकॉज मतलब मैं ऐसे जल्दी पहुंच गया कि उस टाइम ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। एंड तो बहुत मतलब शुरू में तो लोगों ने बोला कि यार तुम 7 बजे निकल रहे हो, 7:30 रिपोर्टिंग टाइम है, कैसे पहुंचोगे। तो मैंने सोचा यार 7:30 रिपोर्टिंग टाइम तो है, बट 8:30 तक है रिपोर्टिंग टाइम, मतलब आप 8:30 तक पहुंचो। मैंने कहा मेरे पास 1 घंटा है, और जब मैं रामबाग पहुंचा था तो लोगों ने बोला कि 1 घंटे में तो आप सेवला तक ही पहुंचोगे। और कुल मिला के ये कि आप बहुत बॉर्डर के आसपास पहुंच सकते हो और आपको दिक्कत आ सकती है। तो लाइक आई वॉज पैनिकिंग और बहुत मैं घबरा रहा था कि यार, क्योंकि घर से आप निकले हो एग्जाम देने, आप इतने तैयारी करते हो, खासकर एग्जाम 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 है यार, MTS है तो क्या है। तो आप इस एग्जाम के लिए निकले हो और फिर आप एग्जाम ही देके नहीं आ रहे हो, पैसा भी आपने खर्च किया। तो मैं पहुंचा सेवला, सेवला से फिर आपके 20 रुपए लेगा और आपको ठीक 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि मेरे को आई थिंक 25 मिनट्स लगे थे, बिकॉज आई वॉज मैं मतलब व्हेन आई वॉज गोइंग ना, तो आई वॉज यूजिंग माई वॉच कि भाई कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको बीच में ट्रैफिक नहीं मिलता है, कोई सवारी उतारनी पड़ रही है, ऑल्दो काफी सवारियां उतरी भी बीच में, 1, 2, 3 करीब, बट मॉर्निंग का टाइम था तो ज्यादा लोग सीधे सीधे ही पहुंचे। तो मैं तो कुल मिला के आपको रामबाग से बिजलीघर, बिजलीघर से सेवला, और सेवला से आपको बोलना है कुणाल एकेडमी, ठीक है। अब तेहरा जब लोग पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं तेहरा क्या है, तो देखो तेहरा मोड़ बोलते हैं उसको, एक जगह है आगरा में, सेवला से आगे पढ़ते हैं तेहरा मोड़ उसको बोलते हैं, और ये उससे पहले पढ़ता है। तो आप ऐसे ना करो कि तेहरा आपने देखा तो आप ऑटो वाले को बोल दो बिजली घर से कि भैया आई वॉन्ट टू गो टू तेहरा, और वो आपको तेहरा उतार देगा, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तेहरा से पहले पढ़ जाएगा, तो आप बोलो उसको कुणाल अकेडमी आपको जाना है, या आप बोल दो कुणाल एजुकेशनल अकेडमी, ठीक है। तो आप वहां पहुंच जाओगे और पहुंचने के बाद तो मैं 8:30 पर पहुंच गया था। तो यानी कि आपने देखा कि मैं 7 AM पे रामबाग था और मैं 8:30 पर था, मतलब मेरे को 8:30 पर मैं पहुंचा, मतलब 1.5 घंटा लगा, और वो भी तब जब मुझे मैं आई डिसाइडेड टू सिट इन अ ऑटो विच इज ऑलरेडी फुल, ठीक है, और हैविंग ओनली 1 or 2 seats टू बी ऑक्यूपाइड। तो मतलब एक दो सीट जिसमें खाली थी मैं उसी में बैठा और ऑटो चलता गया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह लकीली आई रीच्ड ऑन टाइम। तो 8:30 पे मैं पहुंच गया, तो उन्होंने मेरे को अंदर ले लिया कि ठीक है आप आ जाइए। तो अब अगर SSC MTS का देने जा रहे हो तो मैं आपको दो चीज तीन चीज और बातें बता दूं कि देखो मतलब लौटते में मेरे को काफी लोग मिले जो बोल रहे थे कि उनको यही नहीं पता था कि टाइम क्या है। देखो 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, यू विल बी अलॉटेड 60 मिनट्स टू अटेम्प्ट द एग्जाम, एंड द एग्जाम इज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शन, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GS एंड इंग्लिश। तो जो 15th of March 2022 का पेपर था, लाइक इंग्लिश तो इंग्लिश वो तो हलवा आके मतलब बहुत ही इजी थी, मे बी कि मतलब मेरे को अच्छी लगती है तो, बट मतलब सही था, पेपर बहुत इजी था, इंग्लिश का तो बहुत इजी आया, और मेरे को GS भी थोड़ा इजी लगा था। GS में क्या था कि मतलब पढ़ा तो कभी है नहीं उतना ज्यादा, बट GS में मैं आई थिंक अप्रोक्स मैंने 10 कर लिए थे 25 में से, क्वेश्चन बहुत इजी थे GS में, और
कुछ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने आर्किटेक्चर से ले लिए हो, क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन था मेरे को याद है, मतलब फिजिक्स भी बोल सकते हो बट मैंने उसको आर्किटेक्चर में बढ़ाया, तो मेरे को याद था मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के उनका ये था कि भाई किस चीज को आप स्टोर कर सकते हो और फिर एज एनर्जी उसको यूज कर सकते हो, थोड़ा घुमा के था हल्का सा, बट अगर समझ तो इसका करेक्ट आंसर था ऑब्वियसली सोलर वाला जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, तो वो था। और मतलब और एक फीफा वाला क्वेश्चन था, बाइकॉट वाला, मतलब न्यूज़ में बहुत चर्चाओं में था, मतलब और ये था कि टबैको किसने बैन किया, तो वो भी मतलब बहुत सही चीज़ें थी। ठीक है, तो पेपर सही था और मैं रीजनिंग का मैंने थोड़ा अटेम्प्ट कर पाया था, क्योंकि तो इंग्लिश और जीएस करते करते ही जो है मतलब काफ़ी टाइम हो गया और मतलब वो सॉल्व हो ही नहीं पाया, पूरा पूरा पेपर तो खैर नहीं हुआ, तो मैं कुल मिला के जो है 200 मार्क्स का आता है और 60 मिनट्स आपको मिलते हैं और 100 आपके क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आप कुल मिला के मतलब आधा मिनट में आपको एक करना ही करना है, और इतना लाइक आई डोंट हैव दैट स्पीड टू गो विथ, तो मैं तो नहीं कर पाया कंप्लीटली, बट काफ़ी बच्चे थे जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, एप्टीट्यूड पे कमांड अच्छी होती है तो ले जाते हैं लोग, तो चलो देखो। तो पेपर तो ठीक था और रीजनिंग भी ठीक ठाक थी, एप्टीट्यूड तो बस आधा ही देख पाए, और कुल मिला के वही है कि टाइम बहुत कम था। अच्छा, तो कुल मिला के आपका रूट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ से सबसे पहले रामबाग पहुँचना है, आप जिस भी लोकेशन पे हो रामबाग आप आ जाओ, रामबाग से बिजलीगढ़ आपको पहुंचना है, 10 रुपये लेगा, और बिजलीगढ़ से आपको सेवला पहुंचना है 15, मतलब मेरे से तो 10 लिए थे लेकिन हो सकता है आपको 15 बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 और 10 मेरे 20 वो, और 20 मेरे सेवला से कुणाल अकेडमी के, तो 40, तो 40 40+40 मतलब 80 रुपीज़ में मैं घर वापस आ गया था। ठीक है, तो और लाइक एक फॉर्मूला जो मेरे को लगता है वो ये है कि अगर आप किसी भी अदर स्टेट से या सिटी से आप आ रहे हो ना, तो आगरा में जब आप आ रहे हो ना, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आगरा में अगर कोई भी ऑटो वाला आपसे इफ दे आर आस्किंग फॉर मोर देन 15 रुपीज, आप समझ जाइए कि वो आपको चूना लगा रहा है। ठीक है, दिस इज द इंडिकेशन, आगरा में किसी भी आप जगह जाओ, आई थिंक आप 20 मान लो, 20 से ज्यादा आगरा में कहीं पैसे नहीं लगते, आप किसी भी जगह चले जाओ, रामबाग से बिजलीगढ़, बिजलीगढ़ से सेवला, सेवला से आप कहीं भी चले जाओ, अप्रॉक्स 20 लगते हैं। तो ये आप एक तरह से फॉर्मूला अपने माइंड में सेट कर लो, आप आगरा कभी भी आ रहे हो तो आपको 20 रुपीज से ज़्यादा किसी को देना ही नहीं। और ठीक है, तो पेपर बहुत बढ़िया था, सही था। अच्छा, दूसरा ये कि मास्क तो कंपलसरी है, और इसमें मतलब इंस्ट्रक्शंस में आई रेड दे सेड कि यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, तो आई कैरिड बट दे वर नॉट यूज, तो आई ब्रॉट दम बैक एज वापस हो गए थे, तो कोई आपको जरूरत नहीं है ये लाने की, फोटोज वगैरह ऑलरेडी आपको वहां पे एक वो मैम स्लिप आपको निकाल के देती है। हेलो, हाँ जी सर, आप बताइए। हाँ, कल रात को उनके फादर से बात हुई थी, एक्चुअली उनके फादर ये बोल रहे थे कि महंगा बहुत है, हाँ। चलिए, तो हाँ मैंने बोला था उनको, तो उनकी फादर ये बोल रहे थे कि महंगा बहुत है, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं, वो अभी वो इस पर सोचेंगे और इस पर विचार करेंगे, और जो भी होगा डिसीजन वो आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हाँ, मैंने उनको बताया था इट कैन बी पेड थ्रू द ईएमआईज, बट उन्होंने बोला कि ठीक है अभी मेरे को कुछ टाइम चाहिए फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, ठीक, ओके ओके, थैंक। हाँ तो गाइस ठीक है, तो 80 रुपये करीब लगते हैं ट्रेवल का, मैंने आपको बता दिया, और कोई बात
बता दिए भी मैंने आपको, बता दिया कि 20 रुपए से कोई आपको ज्यादा देना नहीं है। अच्छा हाँ, मैं आपको एक मास्क का बता रहा था कि मास्क बहुत ज्यादा कंपलसरी है। एंड सेकेंड चीज, मास्क के अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बताया था, मतलब इंस्ट्रक्शंस में दिया गया था कि यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 फोटोग्राफ्स रिसेंट, बट वहाँ यूज नहीं हुआ। तो बट आई विल रिकमेंड कि आप लेके जाओ, बिकॉज वी कैन ट्रस्ट देम कि भाई कभी भी मांग सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद एसएससी का जो ये एग्जाम था, दे डू नॉट लेट यू कैरी एनी पेन, पेन आप अंदर नहीं ले आ सकते हो। दे विल लाइक एनी पेन और पेंसिल, नथिंग इज अलाउड। पेन विल बी प्रोवाइडेड यू एट योर डेस्क, और पेन आपको नहीं ले आना है, पेपर आपको नहीं ले जाना है, मतलब कुछ भी नहीं आपको ले आना। बस आपको एक अपना एडमिट कार्ड, मतलब एडमिशन लेटर, और दूसरा आपको अपना कोरोना का जो है कोविड फॉर्म आपको लेके जाना है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, थर्ड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाइए, और एक चौथा मास्क। इनके अलावा आप, 4 चीज़ों के अलावा और एक है आधार कार्ड। तो 5 चीज़ें आपको लेके जानी है इस एग्ज़ाम में, तो ये आपको लेके जाना है। अब ये 5 चीज़ें ना, मतलब ना इस एग्जाम में नहीं, आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में लेके जाना है। और वापस आते हैं तो काफी मतलब व्हेन आई वाज कमिंग इन ऑटो, काफी लोग पूछ रहे थे कि ब्रदर रेड फोर्ट का क्या किराया है, क्या फीस है उसकी टिकट की। तो लास्ट रिसेंटली मैं 1 महीने पहले गया था, तो 30 रुपीज का टिकट है, तो आप जा सकते हो। आपको एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले की तरह नहीं होता है, दे विल आस्क यू फॉर योर आईडी। तो ताज का टिकट 250 रुपीज है। ताज अगर आप एग्जाम, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे कम फॉर द एग्जाम, और जब जाते हैं, दे ऑलवेज विजिट सम हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, एतमादउद्दौला। ठीक है, तो आप अगर आ रहे हो तो ये आपके सेंटर के आसपास होते हैं, खासकर रेड फोर्ट और ताज तो आपके सेंटर के आसपास ही होते हैं। तो ताज का टिकट 250 का है, 50 रुपीज आपका मेन एंट्रेंस जब आप अंदर जाते हो, और 200 आपका है जब आप मौजिलम में एंटर करते हो, मौजिलम स्टेप्स पे चढ़ के। बस वो मेरे को तो नहीं लगता दैट इज गुड, मेरे को तो आई एम टोटली अगेंस्ट इट कि भाई इतना 250 कर दिया बस मौजिलम में ऊपर जाने का, जबकि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द ग्रेव, और मतलब बहुत बंद है पूरा, बस क्या करना है, ऊपर जाना होता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप बस 50 रुपये वाला टिकट ले लो और ताजमहल को अंदर से देख लो, मौजिलम में अंदर जाने की जरूरत है ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। बस आपको सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, उस बात के 200 रुपये देने हैं, सो वाई शुड बी पे। खैर चलो ठीक है, जो भी हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। तो आप रेड फोर्ट घूम लो, आगरा और ताजमहल आप घूम सकते हो, और एग्जाम दो। अच्छा, और एक सज्जन है, उनसे मुलाकात हुई, वो बोलते हैं कि भाई उनका तो रीजनिंग में ही टाइम निकल गया, उनको तो पता ही नहीं चला कि इंग्लिश कब आएगी और वो कैसे आएगा, वो सोचते ही रहे, बैठे रहे और पेपर खत्म भी हो गया, रीजनिंग ही कर पाए बस। तो आपको स्क्रीन पे ना लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 4 सेक्शन दिखते हैं, एक में होता है एप्टीट्यूड, एक में होता है रीजनिंग, एक में होता है जीएस, एक होता है इंग्लिश। किसी भी सेक्शन पे विदाउट हेजिटेशन आप क्लिक करो, आप सीधे यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, आप ऐसे सोचते हैं कि यार वो कैसे आएगा, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख के जाओ ना आप, और आप कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, बिकॉज आई हैव अलॉट एक्सपीरियंस नाउ। एग्जाम्स दिए तो बहुत हैं अब तो आगरा, तो मतलब ठीक है। तो आप कभी भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कमेंट बॉक्स तो डिसेबल है, तो चलो बहुत ही जल्दी इनेबल करेंगे उसको भी। तो आप लोग चलो ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।